Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Harpreet. So today's vlog is going to be a productive night vlog. So without getting any further, let's get started. So आज मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी अराउंड 6:35 से. So सबसे पहला काम मेरा टू डू लिस्ट बनाना जो मैं बना रही थी. आज मैं इस पर बना रही हूँ डायरी पे, क्योंकि बोर्ड पे मुझे कुछ लिखना है. इस वजह से मैं आज डायरी पे बना रही हूँ, क्योंकि बोर्ड पे मैं प्रैक्टिस करूँगी. सो मैंने स्टार्ट किया अकाउंट से. सबसे पहले मैंने अपनी अकाउंट से सारी बुक कॉपी और रफ कॉपी निकाल दी स्कूल की, और मुझे क्या लिखना था वो मैं देख रही थी. सो मुझे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स लिखने हैं सारे, तो मैं ये बुक लाइब्रेरी से लाई थी, उसे देख रही थी और कुछ लेक्चर में से भी देख रही थी. सो फाइनली आफ्टर 1.5 घंटा मैंने वो अकाउंटिंग्स के टर्म्स लिख लिए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा थे. पता नहीं इतने टर्म्स कैसे हैं और कैसे याद होंगे, पर हाँ मुझे याद तो करने ही है. सो या मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स नोट डाउन कर लिए थे, और मैं देख रही थी कि हाँ मैंने टर्म्स लिखे हैं कि नहीं. सो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो पढ़ना पड़ेगा कॉमर्स लिया है तो. पर यार ये बहुत ज़्यादा टर्म्स डिफिकल्ट हैं याद करने को. सो मैं अभी डिनर की सब्जी बनाई थी, जिसमें मैं बनाई थी आज छोले. सो डिनर बनाने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने, और मैंने स्टार्ट किया आई पी रीड करना. रीड करने के साथ साथ मैं मार्क कर रही हूँ इम्पोर्टेंट लाइन्स वगैरह. सो हियर आई वॉज डन विथ कंप्यूटर ऑल्सो, और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी था इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, और मार्क भी किया था. सो आप देखिए, और मैंने होमवर्क भी किया था. सो अब मैं देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा. यार मैं पढ़ाई में काफ़ी ब्रेक्स लेती हूँ. सो अभी मैं स्टार्ट कर रही थी बिजनेस, और बिजनेस में मुझे नोट्स बनाना था. मैंने बिजनेस भी अपना कंप्लीट कर लिया था, और मुझे इसके बाद ये सारे जो मैंने अभी अकाउंट्स और बिजनेस लिखा था वो मुझे याद भी करना था. सो मैंने डिसाइड किया वो मैं लास्ट में करूँगी. सो मेरा अब सारा लिखने का काम हो गया था, तो मैं अकाउंट्स के टर्म्स याद करने के लिए बैठ गई, और मैं एक एक को हाईलाइट करके मार्क करके याद कर रही थी इम्पोर्टेंट पॉइंट. यार ये टर्म्स काफ़ी डिफिकल्ट है, और इसे ए बी सी डी ऑफ कॉमर्स और अकाउंट्स कहा जाता है, तो मुझे ये याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था. और ये मुझे ऐसे याद करना है कि मुझे ये हमेशा याद रहे लाइफ टाइम. सो यार मुझे याद करना था, और मैं यहाँ पे लिख लिख के याद कर रही थी, क्योंकि आई थिंक लिखने से ही ज़्यादा अच्छे से याद हो रहा था मुझे, और स्टार्टिंग से मुझे लिखने से ही ज़्यादा अच्छे से याद होता है. सो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी. सो अब मेरा ये लिखने वाला काम भी हो गया, और मैं ऐसे ही बहुत खिचड़ी बना के लिखती हूँ, बिकॉज मुझे समझना है तो मैं समझ गई थी कि मैंने क्या लिखा और क्या नहीं. फिर मैंने स्टार्ट किया बिजनेस याद करना, जिसमें मुझे इम्पोर्टेंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक मेरिट्स वगैरह के जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स होते हैं वो याद करने थे, और हेडिंग्स याद करना यार बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आई थिंक बहुत अजीब था. सो यहाँ मैंने हेडिंग्स याद कर रही थी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करना था. सो मैं याद करके लिख भी ली थी. सो अराउंड 12 बजे मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो गया था, और टास्क कंप्लीट करने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है. सो ये रही मेरी टू डू लिस्ट आज की, और मैं मार्क कर रही थी कि मैंने क्या क्या कर लिया. सो ये मैंने अकाउंटिंग्स के टर्म्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग याद कर लिया था, लिख भी लिया था, और मैंने नोट्स भी बना लिया था बिजनेस का. सो दो टीचर थे, तो दोनों लोग अलग अलग चैप्टर के नोट्स दे रहे हैं, तो ये गलती से मैंने लिख लिया था. सो मैंने आईपी भी अपडेट कर ली थी. सो मेरा आज का टास्क इसी के साथ सब पूरा होता है, और
इतनी सेटिस्फेक्शन टास्क कंप्लीट करके मिलती है यार। जब स्कूल से आओ तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है, और जब लगता है कि आज तो मैं शाम को पढ़ ही नहीं पाऊँगी, सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाएगी, पर यार सेल्फ स्टडी करके जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही लेवल का कम्फर्ट होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू मे लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।